पर मेरी अब बिल्लों के लिए बहुत एम्पथी आ गई है, बिल्लों के लिए तो आई, इस रास्ते तो आई जाएगी बेंच तो मतलब आप मुझे हर जगह मैं बिल्ले देखता रहता हूँ कि उसका क्या हुआ है, कटे कि नहीं कटे, दिखा बेंच। अच्छा लो मैं सच में लोग, मैं कहा बिल्लों को लोग गलत ट्रीट नहीं करना चाहिए, इंसानों को कर दो। इनफैक्ट मैं एक दिन अपने बिल्डिंग के नीचे, मैं अपने घर की बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था और मेरी बिल्डिंग का एक बिल्ला है और मैं देखा उस बिल्ले को किसी ने आलू भुजिया दे रखे खाने को, आलू भुजिया एक कार्निवोरस एनिमल को। मैं सिक्योरिटी गार्ड था, मैं कहा सुनो एक चाय भी रख देते साथ में और लगाए थे न्यूज, बैठ के देखता बेंच आराम, आलू भुजिया कौन डाल गया। कह रहे मैडम ने खाना क्या हुआ, मैं कार्निवोरस होते हैं ये। कह रहे पता नहीं क्या बोल रहे आप। मैं सही बात तो मैं मार्केट जा रहा था, मैं बिल्ले खाना ले आया और वापस आके बिल्ले को खाना देने लग गया। मैं कहे खाना का, तो कहता कि ये क्या है, मैं कहे बिल्ले का खाना है। कह कितने का आता है, मैं 50 रुपये का। कह रहे अच्छा, चला गया। हफ्ते बाद में फिर वहां से जा रहा था, गार्ड कहता सुनो इधर भूख लगी है मुझे, नाश्ता करा दो, बड़ा पाव चाय 30 रुपये दे दो, मैं जाके कराऊंगा। मैं अगर तेरा फाइनेंशियल लगा खुद जा कर ले बेंच। कह रहे बिल्ले पे 50 रुपये खर्च कर सकते हो, इंसान को भूख लगी है 30 रुपये दे सकते हैं। सही बात है। मैं कहा ये लो भैया 30 रुपये। मैं कहा सुनो कल मैं बिल्ले के मुंह पे एक लात मारने वाला, तैयार रहना, और 6 महीने बाद उसके कटवाने भी हैं, ठीक है। तो ये आखिरी 6 महीने एंजॉय कर लो। सो गाइज माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड आई एम अ बनिया। पता है ऐसे रिएक्शन आएगा। सो हम बनिया में क्या होता है ना, स्टैंड अप कॉमेडी एक बहुत बड़ा टैबू है, ठीक है, निहायती, जैसे मतलब तुम जिहादी बन गए वैसे, क्योंकि हम लोग दुकानदार लोग होते हैं। बच्चे से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, भाई तू अब गल्ला संभाल, अगर तुमने IIT किया उसके बाद भी यही बोलते भाई, चावड़ी चावड़ी चलो चावड़ी चावड़ी बेटा चावड़ी, IIT के कर ली कोई बात नहीं, चावड़ी जो कमाई देगी वो IIT की रिक्रूटमेंट नहीं दे पाएगी, चलो मेरे से ले लियो सैलरी। बाप ऐसे बोलता है बेटे को बनियों में। और उसमें क्या होता है, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, तो बौखला गए यार वो, उनको लो बच्चा ये किस राह पे निकल गया यार। तो जैसे मैं यहाँ था, मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा स्टैंड अप के लिए जा रहा हूँ। कहते बेटा कुछ पैसा वैसा है इस लाइन में, कुछ पैसे मिल रहे तुझे। मैंने कहा पापा पैशन के लिए कर रहा हूँ मैं यार, पैसे के लिए कौन करता है, मेरा पैशन मेरा हॉबी इसलिए करना चाहता हूँ। कहते बेटा सिर्फ चुटकुलों से पेट नहीं भरता। मैं उदास होकर अपनी मम्मी के पास गया, उनका भी वही रिएक्शन, बेटा कुछ पैसे वैसे है इस लाइन में, कुछ पैसे मिल रहे तुझे। इस बार मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कहा मम्मी पैसा बहुत है, बहुत पैसे मिल रहे। कहते तू पैसे के लिए ये सब भी करेगा, नहीं जीत सकते भाई तुम उनसे, नहीं जीत सकते। और हम बनियों में ना, हम बनियों में हर बनिए का ना, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, हर बनिए का एक पंजाबी दोस्त जरूर होता है, और हर पंजाबी का एक बनिया दोस्त। जहां अग्रवाल है वहां खन्ना है, जहां गर गया वो चोपड़ा है, मिक्स हो जाते हैं भाई दोनों, एक जैसे से हो जाते हैं ना बिल्कुल एकदम, जैसे वाटर कलर मिक्स नहीं होते, रब ने बना दी जोड़ी, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर आई थिंक, दोनों ऑपोजिट होते हैं। जैसे पंजाबी बनियों को सिखाता है भाई कैसे लड़कियां ताड़नी, कैसे शराब पीनी है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आना है, 150 रुपये की कटिंग करवानी है, और बनिया बताता उसे यही सब कैसे सस्ते में करवाना है। तो इतनी मस्त केमिस्ट्री हो जाती है यार, अलग ही केमिस्ट्री हो जाती है भाई। बनिया उसे बताता गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर, आजकल इंदापुरम में कर तू, अच्छे रिटर्न है भाई। किसी भी पंजाबी कोई भी पंजाबी कमेटी डाले ना, तो समझ लेना उसके घर के दोस्त ने करवाई है ये काम। और पंजाबी ना थोड़े से चुलैट होते हैं, जैसे हर बनी का पंजाबी दोस्त होता, और वो मुझे लगता है बनियों से दोस्ती इसलिए करते कि उनकी मार पाए। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना भाई, आज वो नहीं आया यार, मजा नहीं आ रहा भाई का, उसके आते ही लेट जा भाई लेट जा। एक होता ना सॉफ्ट टारगेट, वो हमेशा गर गया बंसली होता भाई पंजाबी के गैंग में ना। और उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो जैसे मेरा एक पंजाबी दोस्त है, पंजाबी थोड़े से चुलैट होते हैं, मेरा दोस्त तो है, एक तो उसे लगता है मैं आर्यभट्ट की औलाद हूँ। मेरे पास आया हरामी, कहता भाई ये बता 329 × 675 कितना होता है। कहता बता तुम लोगों का मैथ्स तो बहुत अच्छा था, बता ना भाई। मैंने कहा तू एक काम कर, तू पंजाबी ने नाचने गाने में माहिर, ये बता गुरु नाल इश्क मिठा गाने में ओ हो आए हाय कितनी बार आता है।
आया बड़ा। और पंजाबी और जो बनी होते ना उन सबका जो है ना लाइफस्टाइल जो है वो 180 डिग्री होता है, बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे पंजाबी लोग अगर बिजनेस करेंगे वो थोड़े भोले होते हैं, वो होते हैं ट्रेंड फॉलोवर्स, कि भाई जो जिसमें आजकल ज़्यादा अंधी कमाई हो रही है ना वही बिजनेस कर लेंगे। जैसे किसी पंजाबी से पूछो वो ऐसे बिजनेस करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, मार्केट में एक्सप्लोर हो चुकी है, दुनिया ने देख लिया है वो, और उसमें भी खूब इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे सलोन खोल लेंगे, बहुत सारे हैं, गारमेंट शॉप बहुत सारी हैं, टैक्सी बिजनेस बहुत सारी हैं। किसी बनिए से पूछो यार, बनिए करते महीन काम जिस पे किसी दुनिया की नज़र जाती नहीं ज़्यादा, उसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं सूखा काम। जैसे किसी बनिए से पूछो भाई साहब किस चीज़ का काम है अपना, ही बी लाइक ये जो भाई साहब मेहंदी रचाने का जो तेल आता है ना छोटी छोटी शीशियों में, फैक्ट्री अपनी मुरादनगर में, भाई BMW ऑडी बना रहता है आदमी। किसी और बनी से पूछो भाई साहब किस चीज़ का काम है अपना, अरे जो KFC मैकडोनल्ड पिज्जा हट में जो टिश्यू पेपर लग रहे हैं किसकी मैन्युफैक्चरिंग है, गोयल ट्रेडर्स मेरठ वाले, भाई पोर्च बना जाएगा आदमी। इनके अजीब अजीब से काम होते हैं यार बनियों के। मैंने बनिया भाई से पूछा, मैंने कहा भाई किस चीज़ का काम है, कहता हमें छोटे इलायची के एक्सपोर्टर। बड़े बाजार में छोटी इलायची का काम है अपना। छोटी इलायची का है कारोबार, अरे तुम्हें नहीं पता यार, तुमने वेंचर इंजीनियरिंग करके मरवा रहे हो। वो छोटी इलायची से कम आ गया भाई, तुम करते रहो, बरक वाली बेच रहा आजकल तो वो, और बिजनेस एक्सपेंड कर लिया भाई उसने। और हम बनी में ना एक डिश ऐसी होती है जो कि मम्मी स्पेशली बनाती है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अब ये पंजाबी के साथ घूम रहा है तो इसे बिगड़ने नहीं देना। तुम घर में जाओ, आज तेरा फेवरेट खाना बनाया। मैंने कहा क्या, कहती चिली पनीर बिना प्याज लहसुन का। मैंने कहा चिली पनीर उसे टट्टी कहते हैं। चिली पनीर भी कहता हूँ, नहीं आंटी नहीं, मेरे में प्याज लहसुन डलता है, प्लीज डाल दो, कुछ इमेज है अपनी मार्केट में। और भाई ड्रेसिंग सेंस तो अलग ही फाड़ होता बनियों में, स्पेशली मिडिल एज आंटियों का। साड़ी पहनने का बहुत शौक होता है हमारी औरतों को, सूट नहीं पहनेंगे साड़ी पहनेंगे, अच्छी बात है आंटी साड़ी पहनो, लेकिन ढंग के कलर्स तो चूज करो। मतलब येलो कलर चूज कर लेंगी, मतलब इमेजिन करो काली भसन आंटी आ रही येलो कलर की साड़ी पहन के ग्रुप में, देख कैसे लगता कोहली की खान में आग लग गई हो भाई, दिल दहल जाता आदमी का, एकदम से चलती भी आ रही एकदम से हुई। और ऐसे फाड़ो जैसे ना मिडिल एज अंकलों का, ऊपर सफेद व्हाइट कलर की चरक वाली पढ़ाईदार शर्ट होगी, नीचे ब्लैक कलर की चमकीली पैंट पहन लेंगे, उसके नीचे स्पोर्ट्स शूज डाल लेंगे। यार ऐसा लगता है अंकल सगाई फंक्शन अटेंड करने के बाद ना राहगिरी में जा रहे हैं। सो आई एम बनिया। और मैंने ना पिछले साल एक वीडियो डाला था बीइंग बनिया, ठीक है, देखा था मैम आपने, काफी ने देखा था, ठीक है। और उससे ना मुझे प्यार तो बहुत मिला, लेकिन एज क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और वो भी दिल्ली में, उससे ज़्यादा नफरत मिली, स्पेशली बनियों से। मतलब नफरत भी नहीं यार, वो मेरे को मारने वारने के थ्रेड्स देने लगे, समझ रहे हो तुम, डेथ थ्रेड्स आने लगे यार मेरे पे, और मुझे नहीं पता था बनिए इतने अग्रेसिव होते हैं। मुझे लगता था उनको अपने गले से लेना देना होता है भाई, और कुछ नहीं। कौन बनिए को क्या क्या कहाँ अटैक हो रहा 9/11 में, बनिए को अपनी दुकान भाई, नवरात्रि का मौसम, होली का मौसम, मरता मरे बुश ओबामा, मुझे क्या लेना देना, अपन तो चावड़ी बाजार में मजे करेंगे, चावड़ी बाजार में भाई नोट गिने का बनिया, उसको कोई नहीं लेना देना। बनिए कब से अग्रेसिव हुआ यार तुमने, मैं एग्जांपल है मेरे पास, तुमने देखा है कभी अंशुल अग्रवाल नाम के बंदे ने बस जला दियो? सूत्रों ने बताया है अंशुल अग्रवाल ने बस जला दी है। नहीं भाई नहीं जलाते बनिए कभी, बनिए हमेशा मतलब सेफ खेलते हैं यार, वो फट्टू नहीं बोल रहा मैं, सेफ खेलते हैं बनिए, मोटे होते जाते तभी तो बनिए इतने मोटे हो रहते हैं, सेफ खेलते हैं, दुकान से घर, घर से दुकान, बस और बाकी बिहारी के जाना है बस। हर मंडे एक्सप्रेस वे इन्हीं ऐसे लोगों ने बनाया। और तुम मेरे पास है यार बनिया वॉलेंट नहीं होते सर, मैं आपको बता रहा हूँ पाजी, अब सही में नहीं होते, बहुत बहुत तुमने देखा कभी भी रोड रेज हो जाए ना, तुम्हारी गाड़ी को हिट करके जाए
और वो शीशा बंद करे के बंद करे में ही वो घर गया, वो घर गया, उसका गोत्र पूछना, शीशा नीचे करके घर गया भाई साहब, घर गया। शीशा बंद में करते हैं यार ये, ऐसे बाहर निकालना ही नहीं, साइफ खेलना भाई, बनिया जिंदा रहना चाहिए। कल खारी बावली की दुकान पे बैठना भाई। और आपने देखा जब भी आपका ब्रेकअप होता है ना, ऑल योर गाय फ्रेंड्स दे विल कम एंड सिंपथाइज विद यू। अरे विपुल कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। लेकिन हर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा कमीना फ्रेंड जरूर होता है, वो आपके साथ सिंपथाइज करता ही नहीं, उल्टा वो इसी बात से खुश हो रहा होता है कि उसने सही प्रेडिक्शन किया था। मैंने तो पहले ही कहा था। अरे इनमें पूजा वाला राज वाली केमिस्ट्री नहीं थी यार। लुक एट पूजा एंड राज, दे लुक लाइक मेड फॉर इच अदर। लाइक पूजा इज अ ड्रग एडिक्ट एंड राज इज अ ड्रग डीलर यार। तो वेडिंग कार्ड भी रोलिंग पेपर पे छपेगा भाई। फिर आपके ग्रुप में एक और फ्रेंड होता है, वो क्या करता है ब्रेकअप के बाद ना, ही जस्ट स्टार्ट्स टेलिंग यू रैंडम फैक्ट्स अबाउट लाइफ। मैं कॉलेज में ब्रेकअप के बाद रो रहा था, मेरा दोस्त था, विपुल रो मत यार, तालाब में बहुत मछली है। मैं क्या इधर सी फूड रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहा था, दरअसल क्या रैंडम चीजें बोल रहा है, तालाब में बहुत मछली, तो तालाब में मछुआरे भी तो बहुत है यार। हर कोई अपनी अपनी रॉड लेके बैठा उधर यार। अरे इसमें मेरा कोई डबल मीनिंग नहीं था यार, अरे सच बोल रहा हूँ यार, ऐसे मत करो यार। मैं फिशिंग रॉड की बात कर रहा था यार, ये दिमाग गंदे हैं यार, मैं क्लीन कॉमेडियन हूँ प्लीज यार। फिर एक और डायलॉग मारते दोस्तों का, आपने देखा विपुल लड़की बस और ट्रेन, एक जाती है तो दूसरी आती है। एंड आई एम लाइक हाउ डू इवन कंपेयर अ गर्ल विद अ बस और अ ट्रेन, हाउ? कंपैरिजन का बेसिक रूल ये होता है कि यूनिट सेम होनी चाहिए यार। लाइक हैज एनीबडी हियर फॉलन इन लव विद अ बस और अ ट्रेन? निलेश नहीं, यहाँ पे कोई है क्या जो पर्स में शताब्दी की फोटो लेके घूम रहा है? तो किसी ने यहाँ पे टैटू बनाया, विल यू मैरी मी गरीब रथ? गरीब रथ इज लाइक सॉरी नीलेश, आपका 15 वेटिंग है, आप घर बैठे बैठे अपनी रॉड के साथ ही खेलो, आप वही डिजर्व करते हो। समझौता एक्सप्रेस।